मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, कोई भी मेरा बुरे टाइम पे साथ नहीं देता, कोई भी मेरी कभी हेल्प नहीं करता, मैं जिससे भी जो चाहता हूँ वो कभी पूरा ही नहीं होता, या लोग मेरे लिए कभी भी आगे बढ़ के नहीं आए, बुरे वक्त में कोई मेरा साथ नहीं देता। ये चीजें हमने अपनी लाइफ में कई बार बोली होंगी, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे आके हमने भी ये चीजें बोली होंगी, बट हम इस चीज को जब रिपीटेडली बोलने लगते हैं, हर बात पे बोलने लगते हैं, हर जगह बोलने लगते हैं और इसी चीज को खींचने लगते हैं, उसे हम कहते हैं विक्टिम सिंड्रोम। विक्टिम वो है जो जिसके साथ गलत हुआ है, पर विक्टिम सिंड्रोम वो है कि उस जो चीज आपके साथ गलत हुई है उसी उसी को आप ब्रैक करते जा रहे हो बार 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 रिपीटेटिवली, चाहे उसे कितने साल हो गए हो, चाहे वो कितने पुरानी बातें हो, आप उन्हें बार 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 अपनी बातों में बोले जा रहे हो, उसे कहते हैं विक्टिम सिंड्रोम। ऐसे कई लोग हमने अपने आसपास देखे होंगे जो कि इस सिंड्रोम से गुजर रहे हैं, जो कि सिर्फ नेगेटिव चीजें ही बोलते हैं, जो कि सब यही बोलते हैं मेरी किस्मत में तो ऐसे ही लिखा है, मेरी किस्मत में तो ऐसे ही होता है, मेरी किस्मत तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो बार बार रिपीटेडली इसी चीजों को बोलते रहते हैं। लोगों उन लोगों को ये लगता है कि सारी दुनिया उनके अगेंस्ट है, कोई भी उनका साथ नहीं देता, उनको ये लगता है कि जिससे भी वो बात करते हैं या जिससे भी वो एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग हमेशा मुंह फेर लेते हैं। उस नेगेटिव थॉट को रिपीटेटिवली अपने थॉट प्रोसेस में लाके बार बार बोलना इस विक्टिम सिंड्रोम। एक दो बार तो शायद हम सभी बोलते हैं अपनी लाइफ में एक ऐसे फेस में, पर उसको लंबे समय तक ब्रैक करना इज नॉट गुड। होता क्या है कि ऐसे लोगों को जो कि विक्टिम सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं या गुजर रहे हैं, दे आर इन अ हैबिट और दे बिकम इन अ हैबिट ऑफ गेटिंग द अटेंशन फ्रॉम द पीपल। उनका डे तब तक सक्सेसफुली एंड नहीं होता जब तक उन्होंने अपने डे के एंड में किसी से अप्रिसिएशन नहीं सुना हो, या फिर ये नहीं सुना हो कि हाँ तूने बहुत दुख देखा है अपनी लाइफ में, या किसी से ये सिंपैथी ना ली हो। ऐसे लोग जो है वो विक्टिम सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। अब आपने अपने लाइफ में, आपने आसपास कई ऐसे लोग देखे होंगे जो कि बार बार रिपीटेटिवली नेगेटिव चीजों को बोलते हैं। अब ये होता किस लिए? देयर कुड बी थ्री रीजंस फॉर दैट। द मेजर रीजन दैट वी विल बी एम्फेसाइज ऑन कि बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा, अब्यूज या फिर कोई ऐसी चीज घर घर कर गई है जिससे आप अभी तक उभर नहीं पाए हैं, उसको ठीक करने के लिए जो थेरेपी है दैट इज साइको एनालिसिस। बाय साइकोएनालिसिस दिस सिंड्रोम कैन बी रिकवर्ड। दूसरा जेनेटिक, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। थर्ड इज कोई ग्रीफ या पैम्परनेस की आदत, बचपन में पेरेंट्स ने बहुत पैम्पर किया या फिर अपोजिटली बिल्कुल पैम्पर नहीं किया। इन दोनों चीजों में भी लोग विक्टिम सिंड्रोम से गुजरते हैं, जिसमें वो बार बार लोगों की तरफ एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बना देते हैं, और उसको ठीक करने के लिए ग्रीफ थेरेपी कैन वर्क और आरईबीटी कैन वर्क। सो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ थेरेपीज दैट वुड वर्क ऑन द विक्टिम सिंड्रोम। अब कुछ लोग, आप कोई एडवाइस दोगे उनको या फिर आप उनको बोलोगे कि नहीं यू नीड हेल्प, दे वोंट लिसन टू यू बिकॉज इस पॉइंट पे आके इंटेंशनली दे आर गेटिंग द प्लेजर फ्रॉम बीइंग मिजरेबल, दे आर गेटिंग द हैप्पीनेस That yes, somebody is caring to them. So, वो pleasure point जो है उनका, वो उनको तब मिलता है जब they pretend to be miserable and they get the care, attention और proper acknowledgement from others. So, कुछ लोग उस pleasure से, pain pleasure से या उस victim pleasure से बाहर ही नहीं आना चाहते। उसके लिए वी कांट हेल्प इट। फर्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज, एक्सेप्ट एंड देन रिकवर। वी कैन ओनली वर्क ऑन दोज पीपल हु आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, रेडी टू एक्नॉलेज इट एंड देन रेडी टू रिकवर। सो इफ यू थिंक दैट अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसे सिंड्रोम से गुजर रहा है, इफ यू वॉन्ट टू हेल्प देम, जस्ट टेक देम टू द काउंसलर एंड हेल्प देम, एंड इफ नॉट सो
there will be no advice that can work on them. There will be nothing that can work on them because they are getting the pleasure pain or pain pleasure from being victimized. So take care of yourself and watch if you can do anything.